हेलो गाइस, तो ये हमारे पास एक सोनी एलईडी टीवी है जो कि ये आपका साइन वाला है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रॉब्लम है ये बैक लाइट की प्रॉब्लम है, और ये किस तरह से प्रॉब्लम दिखा रहा है आपको मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं इसको सबसे पहले पावर दे देता हूँ। यहाँ पर पावर लाइट ग्रीन हो चुका है, और यहाँ पर जो सिम्टम्स है प्रॉब्लम की, जो यहाँ पर जो हल्का हल्का दिखाई दे रहा है अंदर में स्क्रीन जो इसका है वो हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। ठीक है गाइस, तो इसमें फॉल्ट कहाँ पर होगा? या तो आपका फॉल्ट हो सकता है इसमें बैकलाइट ख़राब हो सकता है, नहीं तो आपका दूसरा रीज़न हो सकता है कि इसका जो सप्लाई है उस सप्लाई में दिक्कत ही आ रहा है, जो सप्लाई कम है, नहीं तो सप्लाई नहीं दे रहा है, नहीं तो आपका जो बैकलाइट के जो ड्राइवर आईसी है वहाँ पर भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले हमको इसको खोलना पड़ेगा, खोलने के बाद ही आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखा सकूँगा क्या प्रॉब्लम है। ठीक है गाइस, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको खोल लूंगा। तो गाइस, हमने यहाँ पर इसको खोल दिया हूँ, और हमने इसको जो मीटर है उसको भी सेट कर लिया हूँ, और कहाँ पर सेट किया हूँ उसको मैं दिखा रहा हूँ आपको। मीटर को हमने डीसी सेट पे सेट कर लिया हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद में जो हम यहाँ पर सेट किया हूँ इसको, तो यहाँ पर जो हमने सेट करके रखा हूँ इसको, हमने बैकलाइट की जो सप्लाई है इधर सेट करके रखा हूँ। यहाँ पर हमने बैकलाइट की जो सप्लाई है इसके सॉकेट पे सेट कर रखा हूँ मैं मीटर को, और यहाँ पर जो सप्लाई दिखेगा वो हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको, इसका जो पावर केबल है इसको हम पे यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेंगे कि इसका बैकलाइट ख़राब है या सप्लाई ख़राब है। तो हम इसको पावर दे दिया हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर 24 वोल्ट आया हुआ है। अगर बैकलाइट का फॉल्ट है तो यहाँ पर देख सकते हैं सप्लाई ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा होके घट रहा है, मतलब इसका जो प्रॉब्लम है ये बैकलाइट का फॉल्ट है। और आपका यहाँ पर जो, मैं वापस आपको सप्लाई देके दिखाता हूँ। डिसकनेक्ट कर दिया सप्लाई, दे दिया हूँ सप्लाई मैंने यहाँ पर। तो देख सकते हैं 56 तक सप्लाई ये जा रहा था, तो वापस ये घूम के आ गया सप्लाई। तो इसका रीज़न है हमारा जो बैकलाइट है वो ख़राब है। तो हम यहाँ पर अभी बोर्ड पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है हमको, तो आप लोग और एक टेस्टिंग में दिखाता हूँ। तो गाइस, हमने यहाँ पर बैकलाइट की जो टेस्टिंग है, बैकलाइट की टेस्टर्स की मदद से हम इसको चेक कर रहा हूँ अभी। जो बैकलाइट की जो पॉइंट है यहाँ पर हमने टच करा दिया इसको, तो हमारा जो मीटर है ये जो डिजिटल मीटर है ये हमको 300 वोल्ट ही दिखा रहा है। इसका मतलब है हमारा जो बैकलाइट है वो काम नहीं कर रहा है। अगर बैकलाइट काम करता तो यहाँ पर बैकलाइट की वाट जो है वो यहाँ पर आ जाता है, आपका कितना वोल्ट पर यह जल रहा है 60-90, तो वो यहाँ पर आ जाता है। लेकिन हमारे इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है,
तो इसका मतलब हमारा बैकलाइट 100% श्योर है खराब है। तो गाइस मैंने जिस स्टेप के फॉलो पहले दिखाया आपको उसी स्टेप से अगर आप काम करेंगे तो आपका जो है वो हो जाएगा। मल्टीमीटर को सबसे पहले आपको चेक करना है सप्लाई कितना तक जाता है। अगर सप्लाई 70-65 पर जाता है, वापस घूम के आ जाता है, तो समझ लीजिए आपका ये बैकलाइट का फॉल्ट है। अगर सप्लाई ही नहीं निकल रहा है, अगर सप्लाई का फॉल्ट होगा तो आपका क्या होगा, ये 24 वोल्ट ही रहेगा यहाँ पर और ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले इस पैनल को खोलना पड़ेगा, तभी हमारा जो बैकलाइट है वो बाहर निकल के आएगा। तो पैनल को खोलने के लिए मुझे ये LVDS सॉकेट को खोलना पड़ेगा। तो हम इस वीडियो में दिखाएंगे आप लोगों को किस तरह से पैनल खोला जाता है, और इसका नीचे भी आपका दिया होगा, इसका नीचे जो टिकन बोर्ड है इसका नीचे आपका एक आठा दिया होगा, इसको से आपको धीरे धीरे से निकलना पड़ेगा। कुछ पतला सा इसके नीचे डालिए और हल्का हल्का इसको उठाने की कोशिश कीजिए, मैं काटने की कोशिश कीजिए, जैसे मैंने इस तरह से काटेंगे। सामने यहाँ पर जो LVDS है इसको भी खोल लिया हूँ, और यह में जो सेल टेप लगा हुआ था टैप इसको भी हमने हटा दिया हूँ, देख सकते हैं। और यह का जो साइड का नाट था इसको भी हमने खोल लिया, ऑलरेडी सारा नाट खोल लिया हूँ। तो अभी हमको ये क्या करना होगा, डिस्प्ले को उल्टा करना पड़ेगा, जिस तरह से हमने भी खोलूँगा तो इसको इस तरह से बस हो गया। अभी हमको धीरे धीरे इसको उठाना पड़ेगा, तो यहाँ से आपको हल्का हल्का खोलना होगा, ठीक है। तो हमने निकल लिया हूँ, तो इसको अभी ऊपर की तरफ उठा लेना है इस तरफ से, और आपको डिस्प्ले पे चेक करना है कोई से आठा तो नहीं लगा हुआ है। अगर आठा लगा हुआ है तो आपको धीरे धीरे उठाना होगा। देखिए मैं इसको उठा रहा हूँ इसके लिए इस तरह से, तो हमारे इसमें जो है वो आठा नहीं है, तो इसलिए मेरा ये उठ रहा है हल्का हल्का, तो देख सकते हैं मैंने उठा दिया है, ठीक है। तो मैं इसको इधर रख देता हूँ, तो मैंने इसको इधर रखा हूँ। अभी बाकी के इससे आप खोल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, इसको इस तरफ से उठाइए ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा इसको रिवर्स से कीजिए तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको खोल लेता हूँ, और आपका इसको मैंने हटा दिया हूँ, देख सकते हैं। अभी इसको मैं इसको पेपर दे दिया हुआ रहता है, तो आप पेपर को खोलते समय ध्यान रखिए कौन सा पेपर कहाँ पर है, ठीक है। इस प्रकार से आपको देख लेना है, अगर आप नए हैं तो, नहीं तो आप इसको ऊपर नीचे कर देंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो मैं तीनों को एक साथ उठा दूँ, तो देख सकते हैं इसके अंदर दो स्टेप्स हैं, दो स्टिक हैं। तो यहाँ पर हम कोई हमारा एक स्टिक जो है ये ख़राब हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे दूसरा स्टेप, ठीक है। तो गाइस हमने यहाँ पर बैकलाइट की जो टेस्टर है उसकी मदद से हम इसको पेन जो स्टिप है इसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने ग्राउंड को ग्राउंड किया हूँ, और यहाँ पर जो हमारे पॉजिटिव है इसको टच कराएंगे, तो अगर सही होगा तो हमको ये जलेगा, अगर सही नहीं होगा तो ये नहीं जलेगा। तो देख सकते हैं एक भी नहीं जला है, तो ये ख़राब है। तो हम इसके साइड में दूसरे स्टेप को भी चेक कर लेता हूँ, तो ये भी हमारा नहीं जल रहा है, मतलब दोनों स्टेप जो है वो ख़राब हो चुका है। तो इसको मुझे दोनों को रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पास सेम स्टिप है तो लगा सकते हो, अगर नहीं है तो आप दूसरा स्टाइल इसमें आजमा सकते हो। तो यहाँ पर हम इसको खोल देता हूँ, तो मेरे पास सेम नहीं है,
तो हम किस तरह से लगाएंगे वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, तो गाइस हमने इसको जो है 3 स्टेप देके हमने इसको बनाया हूँ, जो कि हमारा 56 टोटल वोल्ट इस पे रन करेगा। 56 वोल्ट होने पर भी ये हमारा जो है ग्लो हो जाएगा, और इसमें जो 70 वोल्ट अप टू 70 वोल्ट इस पे दे सकते हो, और ये बहुत ही आसान तरीके से चलेगा। और इसका वायरिंग जो है मैंने किस तरह से किया हूँ आपको दिखाऊँ। यहाँ पर मेन पॉजिटिव मैंने यहाँ पर दिया हूँ, जो कि इस पे पॉजिटिव दिया गया है। ठीक है, और जो इसका नेगेटिव है मैंने यहाँ पर दिया हूँ, और ये पॉजिटिव सीरीज हुआ है डायरेक्ट, इस पे नेगेटिव आया है, और यहाँ का पॉजिटिव आके यहाँ पर नेगेटिव आया है। तो ये हमारा सीरीज पैनल पैरल में है, जो सीरीज लाइन है उस हिसाब से है। ठीक है, तो ये जो है लास्टिंग होगा ज़्यादा। तो हम अब एक बार इसको पावर देके दिखाते हैं। तो हमने इसको पावर दे दिया, सब कनेक्शन नहीं दिया हूँ पीछे से, तो इस पर केबल लगा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर अभी पावर देता हूँ आपको, पावर दे दिया हूँ। तो गाइस ये जो हमारा ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, तो इसका रीज़न हम लोग जानेंगे कहाँ पर है। तो इसका रीज़न है हमारा जो बैकलाइट है, सप्लाई है, उसमें भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, अभी जो सप्लाई है उस पर शायद कम दे रहा है, तो हम इसको एक बार बैकलाइट टेस्टर की मदद से हम इसको चेक कर लेते हैं। इसको खोल देता हूँ यहाँ से, तो अभी हम इसको यहाँ से चेक कर लेता हूँ कि हमारा जो सप्लाई है वो प्रॉपर दे रहा है कि नहीं दे रहा, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एलईडी जो सीरीज लाइन में है वो सही है या नहीं है, तो ये पर लगा था तो माइनस यहाँ पर देता हूँ, ऑन कर देता हूँ, ऑफ कर दिया, और देखिए तो यहाँ पर हम पॉजिटिव लगाते हैं। तो गाइस देख सकते हैं 3 स्टेप हमारा जल रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो लाइट है वो बिल्कुल सही है, हमारा जो सीरीज में कनेक्शन हुआ है वो भी सही है, लेकिन हमारा जो बैकलाइट सप्लाई है उसी में भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो हमको बैकलाइट की जो सप्लाई है उसको चेक करना पड़ेगा, नहीं तो हमको दूसरा लगाना पड़ेगा उस पर बैकलाइट की सप्लाई। ठीक है, तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तो गाइस हमने यहाँ पर बैकलाइट की जो ड्राइवर है इसको यूज़ किया हूँ, और इसको कनेक्शन कहाँ से मैंने किस तरह से किया हूँ, तो यहाँ से हमने इसको ले दिया हूँ 24 वोल्ट, और यहाँ से हमने इसको ग्राउंड दे दिया हूँ। साथ में हमने इसका कनेक्शन किस तरह से किया हूँ, इसका कनेक्शन जो है कैपेसिटर में हमने पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्ट दे दिया हूँ, जो 22 वोल्ट है इनपुट, और इसमें जो ऑन ऑफ है ऑन ऑफ को मैंने आईसी के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर पिन पे दिया हूँ। देख सकते हैं ये इस तरफ से गिनती करेंगे तो ये 1 नंबर पिन पे है, यानी इस तरफ से गिनती करेंगे तो ये हो गया आपका 1, 4, 8 नंबर पिन पे होगा। ठीक है, ये आप दे दिया, और हमने बैकलाइट के जो कनेक्शन है यह से दिया हूँ पॉजिटिव नेगेटिव को देख के। तो हमारा बैकलाइट जो है वो जल चुका है, देख सकते हैं। तो गाइस आपका अगर बैकलाइट अभी जो है इस किट से अगर बैकलाइट आप लगाते हो तो बैकलाइट खराब नहीं होगा कभी, और आपका बैकलाइट चलते रहेगा।
ठीक है, आप ही डिस्प्ले फिटिंग करने से हमारा ये जो हो जाएगा। गैस तो हम फाइनली इसको डिस्प्ले को फिटिंग कर दिया हूँ, तो अब हम इसको चेक करने की बारी आ चुके हैं। तो गाइस ये हो चुका है, टीवी देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिए। तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए और भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर से करते रहिए।